धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे तापमान से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान के साथ ही धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र में पानी की किल्लत गहरा रही है। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते बरसों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का आज सुबह 6 बजे धैर्य जवाब दिया गया और यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिला व पुरुषों ने हाईवे पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। वहीं महिलाएं खाली बर्तनों को लेकर सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इस दौरान नेशनल हाईवे 123 पर तस्सीमों में करीब 2 घंटे जाम लगा रहा। हाईवे जाम होने से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे गंतव्य तक पहुंचने वाले वाहन चालक व यात्रियों को यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह पूरा मामला सैंपू थाना क्षेत्र के तस्सीमों गांव का है, जहां अनेक वर्षों से जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पानी की समस्या गहरा रही है। स्थिति यह है कि यहां हाईवे किनारे बनी पानी की टंकी से आधे गाँव में पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन यहां ट्यूबवेलों में पानी कम मात्रा में होने के कारण पेयजल लाइन में पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण कुछ घरों तक ही नाम मात्र की सप्लाई हो जाती है। अन्य सभी गांव के ग्रामीण पानी के लिए टैंकर व अन्य साधनों का सहारा लेने के लिए मजबूर बने रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इस समस्या को लेकर उन्होंने मांग उठाई है, लेकिन जलदाय विभाग की अनदेखी के कारण यहां समस्या दिन प्रतिदिन गहरा रही है। इस भीषण गर्मी में तो यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। लोगों के लिए नहाने धोने के अलावा पीने के पानी तक के लिए त्राही त्राही मची हुई है, जिसको लेकर आज महिला पुरुषों का सब्र टूट गया और उन्होंने हाईवे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। हाईवे पर जाम की सूचना के करीब 1 घंटे बाद पहुंची थाना पुलिस व जलदाय विभाग के अधिकारी तथा तहसीलदार ने समझाइश की। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के JN गज्जू जाटव का घेराव किया और उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। करीब आधा घंटे की समझाइश के दौर के बाद ग्रामीणों पुरुष व महिलाएं सड़क से हट गए, तभी पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया है। हम साल से हमारे लिए पानी नहीं है और हमारी बहू बिटिया सब पानी के लिए बहुत दुखी हो रही है। नई दुल्हन भी आ रही है, वो भी पानी को जा रही है। हमारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, वो भी लेट हो रहे हैं। नहाने के लिए पानी नहीं है, काम ना कर पा रहे और कोई हमारे लिए पानी की व्यवस्था है नहीं है। बाड़ी सैपुर रोड पर कंचनपुर थाने के ठीक सामने आज देर शाम करीब 7 बजे एक अनियंत्रित बोलेरो ने घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन तड़पते हुए बालक को लेकर तुरंत कंचनपुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने अपनी जीप से बालक को तुरंत सामान्य चिकित्सालय बाड़ी पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय बालक ईशान पुत्र भोलू देर शाम को खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। वह सड़क किनारे खेल रहा था, इसी दौरान अचानक मौत बनकर आई। बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया है, मामले में कार्रवाई की जा रही है। मार्शल वाले ने जट से उसकी पर टायर चढ़ा दिया और उसकी जैसे गिरने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया, उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। जैसे हम उठाकर थाने में लेकर आए तो जैसे पुलिस वालों ने उठा के गाड़ी में संग रखते हुए हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, डॉक्टर ने देखा था उसको, कैसे में कुछ नहीं है, डेड बॉडी रख दी है। अब डेड बॉडी यहाँ पर रख दिया, डॉक्टर डेड बॉडी बोल रहे थे, अब सुबह की बोल रहे हैं। तो इसके पिताजी हैं क्या बच्चे? इसके पिताजी बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गए। इसके पिताजी और पहले ही माताजी हैं, माताजी हैं और उसके भाई बहन है। क्या नाम था इस बच्चे का? उसका बच्चे का नाम था वैसे साहिल, उसका नाम। 29 अप्रैल को सैपो में राहुल गांधी की प्रस्तावित सभा को लेकर क्षेत्र में मंत्रियों का दौरा शुरू हो गया है। इसे लेकर आज मंत्री रमेश मीणा सैपू पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के स्थल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक गिरासी मलिंगा व रायाखेड़ा विधायक रोहित बोरा से विशेष वार्ता की। वहीं मंत्री मीणा ने बताया कि 29 अप्रैल को 11 बजे राहुल गांधी हेलीकॉप्टर द्वारा सैपू में पहुंचेंगे, जहां हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए 2 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एक हेलीपैड पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा, वहीं दूसरे हेलीपैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर लैंड होगा।
वहीं सभा के लिए विशेष पंडाल भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर पंखों की विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं पानी का भी विशेष प्रबंध रहेगा। उधर राहुल गांधी की सभा को लेकर मंत्री रमेश मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि शैमपुर धौलपुर जिले का केंद्र है, जहां जिले के लोगों को जुटने के लिए परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्होंने धौलपुर करौली लोकसभा सीट को अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। उन्होंने कहा है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटों की अंतर से जीत हासिल होगी, यहां की जनता जागरूक है। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जुमलेबाजों को समझ गई है, उनके यहां सबसे अधिक जनता का प्यार मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सभा में लाखों की तादाद में भीड़ एकजुट होगी। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में क्या तैयारी है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 30 तारीख को 11 बजे आ रहे हैं। हमारी सभी 8 विधानसभा में अच्छी तैयारी है। हमारे जो विधायक हैं, एक्स विधायक हैं, हमारे कैंडिडेट हैं और एक्स MP हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल तक हमारी अच्छी तैयारी है और लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। क्योंकि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, धरातल पर काम नहीं होता। ये राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास को इन्होंने छोड़ दिया है। और जिस प्रकार राजस्थान की जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और करौली धौलपुर की सीट होगी वो नंबर 1 से जीतेगी। सबसे ज़्यादा वोट करौली और धौलपुर की सीट में सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा। धौलपुर जैसे जिले में सबसे छोटा स्थान है शैमपुर, वहाँ पर सभा कराने का क्या खास उद्देश्य, क्या मकसद रहा था? उद्देश्य तो कुछ नहीं है, जो हमारे मलिंगा जी ने तय किया है कि वही धौलपुर और राजाखेड़ा बाड़ी धौलपुर जिले में मीटिंग करवानी थी, हम लोगों ने तय किया कि ये ठीक रहेगा। फिर एक स्थान है जिसमें राजाखेड़ा भी के लोग भी पास पड़ेंगे, धौलपुर के भी पास पड़ेंगे, बड़ी के बसेड़ी और बाड़ी सभी एक केंद्र टाइप स्थान हो गया, सब लोग आ जाएंगे। चैनल दावा कर रहे हैं कि जैसे 10-11 सीट कांग्रेस की आएंगी, सर आप दावा कर रहे हैं कि मिशन 25 तय करेंगे? देखो स्थिति पूरे देश जानते हैं, आप चैनल और प्रेस की बात करेंगे, आप लोग ही कितने दबे हुए हैं, क्या सिस्टम से कैसे मैनेज किया हुआ है पूरे प्रेस को, ये तो सब लोग जानते हैं। धरातल पे जब हम काम करते हैं, हमें पता है कि जो लोगों में जो उत्साह है, जो उमंग है, और जिस प्रकार के इन्होंने वायदे किए थे कि 15 लाख लोगों के खाते में जमा हो जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज पूरे देश की जो स्थिति है, विकास दर क्या है, हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। कांग्रेस ने वो काम किया है 60-70 साल में, इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज हम चंद्रमा पर पहुंच गए, कितनी तरक्की की है। राजीव गांधी के समय की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो हमारे मनमोहन सिंह के समय की बात करेंगे, GDP क्या थी, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सिर्फ इन्होंने विकास तो किया नहीं, लोगों को एक मैनेज के रूप में राजनीति की है और एक चुनाव प्रचार ही चलता रहा है, कभी नेहरू जी के खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ, अब राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और जनता में बड़ा उत्साह है और राजस्थान प्रदेश में तो एक अति उत्साह है कि भाई लोगों ने देख लिया कि विकास तो भारतीय जनता पार्टी करा नहीं पाई। पिछले कार्यकाल की स्टेट की बात करें, वसुंधरा जी के समय में भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ, लोगों का शोषण हुआ, विकास हो नहीं पाया, तो लोगों ने जवाब दे दिया। इसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में जनता तत्पर तैयार है, कांग्रेस की सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस में एक 36 कौम की पार्टी है, गरीब को साथ लेकर चलती है, गरीब का भला करती है, गरीब की जनसुनवाई करती है और इस राज्य में आम जनता खुश है क्योंकि जनता ही MLA है, जनता ही मंत्री है, क्योंकि जनता ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता ही माई बाप है। सर करौली धौलपुर क्षेत्र में लोकसभा की बात करें तो विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके कांग्रेस विधायक हैं, तो आपका ऐसे जीत फैक्टर कौन सा जीत फैक्टर काम करेगा इसमें? जीत फैक्टर तो दिख रहा है ना लोगों के बीच में, जैसे ही राजस्थान में सरकार बनी है और हमने आते ही 2 महीने के अंदर किसान कर्ज माफ की बात कर लें, हमने 1 रुपये किलो गेहूँ देने की बात कर लें गरीब के लिए, और जो भी हमने वायदे किए हैं, करीब 25 वायदे किए हैं, वो धरातल पर हैं, मैनिफेस्टो हमारा सरकारी दस्तावेज बन चुका है,
और सबको लोगों को आशा है कि भाई कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सभी धर्मों को लोगों को साथ लेके चलती है। ये लोग विकास नहीं कराते हैं, काम नहीं कराते हैं, भ्रष्टाचार इनके समय में होता है। इनका तो एक ही मुद्दा रह गया है कि विकास नहीं करवाना, राष्ट्र के बाद के नाम पर वोट मांगना। इन्होंने कहा धारा 370 हट जाएगी, 35 हट जाएगी, राम मंदिर बनेगा, तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। लोगों से जो वायदे किए अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, विकास की बात होनी चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ये उस चीज को नहीं कर पाए। नोटबंदी है, जीएसटी है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया है। डीजल पेट्रोल कितने महंगे हो गए हैं। भाई आदमी कहीं विकास करता है तो नए नए प्रोजेक्ट आने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए विकास की तरफ से। ऐसा ही कुछ कर नहीं पाए, ये तो सिर्फ बात कर रहे हैं विकास की। आपके लोगों को मैनेज कर लिया है, बस से जो चुनाव प्रचार चल रहा है तो एक मीडिया मैनेजमेंट कर लिया है, वो आप भी लोग जानते हैं, लेकिन धरातल पर काम होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। आर्थिक स्थिति गरीब की मजबूत होनी चाहिए, जहां पर पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था है, इसमें सुधार होना चाहिए। लोगों को 2 दिन की रूटी समय पर मिले। हमारे प्रधान मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, एक न्याय योजना लाए कि गरीब को 6,000 रुपये महीने 72,000 प्रति ईयर मिलेंगे, पर ईयर मिलेंगे, तो एक अच्छी योजना है। भारतीय जनता पार्टी लोग कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। इसी तरह इन्होंने पहले भी कहा था, जो हमारे महात्मा गांधी नरेगा योजना चली थी, कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। नरेगा सफल रही, पूरे विश्व में एक सफल योजना रही। इसी तरह ये योजना है न्याय योजना, ये भी सफल रहेगी, इससे लोगों को फायदा मिलेगा। सर तीन को प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सभा है, उसको किस लिहाज से देखते हो? देखो इनका काम है भाषण देकर लोगों को जुमले सुनाकर असत्य बोलकर और लोगों के वोट बटोरने का काम इनका रहता है। शासन आते ही ये सब चीजें भूल जाते हैं, जनता से जो किए वायदे हैं वो पीछे गौण हो जाते हैं, और देश और विदेश की यात्राएं होती हैं, और सारा मैनेजमेंट और सारा अपने मित्रों जो मित्र हैं, अडानी है, अम्बानी है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि हमारा एयरपोर्ट जयपुर का, अहमदाबाद का, तिरुवनंतपुर का, लखनऊ का, इन्होंने प्राइवेट कंपनी अडानी को अपने दोस्त को दे दिया। तो भाई सरकार से पूछते तो सही, सरकार से परमिशन नहीं ली। जो जमीन है टोकन मनी पे जो दी हुई है सरकार ने, उसका सिस्टम है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कोई बिजनेस नहीं है, व्यवसायीकरण कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार से पूछते, लेकिन तो मनमानी कर रहे हैं। आप पूरे देश में देख ले, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे, एक तरह से रेड पार्टी बना लिया है, स्वायत्त संस्थाओं को इन्होंने कमजोर कर दिया है। तो इस देश और प्रदेश के हालात बड़े विकट हैं, जनता जागरूक है, अब इनको जवाब वोट के माध्यम से जनता देश और प्रदेश में देगी। सर एक अंतिम सवाल, अभी चुनाव में आप जनता से क्या अपेक्षा रखते हो? जनता का हमें खूब समर्थन मिल रहा है, हम जाते हैं गाँव में, समर्थन पता लग जाता है। भाई जहाँ भी जाते हैं आदमी प्रेम से बोलेगा, उत्साह से होगा, और जो वोट देना नहीं चाहता है तो इकट्ठा ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं जी। और आपका सम्मान करेगा, ठीक है आगे हैं साहब मंत्री हैं, एमएलए हैं, लेकिन हमें दिख रहा है फीडबैक आ रहा है लोगों का, लोग कांग्रेस की तरफ रुझान है, क्योंकि लोगों को आशा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तो विकास के काम होंगे, लोगों की मदद होगी। लोकसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 27 मार्च से 3 अप्रैल तक जिले भर में सतरंगी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आज शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राजाखेड़ा विधानसभा के प्रत्येक शहरी बूथ पर दीपमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा मुख्यालय का कार्यक्रम शाम को बछेकी मंदिर राजाखेड़ा पर रंगोली व दीपमाला पहनाकर दीपदान कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। साथ ही कठपुतलियों ने भी मनमोहक अंदाज में अधिकाधिक मतदान की अपील की। कठपुतलियों के नृत्य द्वारा मतदाता जागरूकता का ये प्रयास सभी के मन को खूब भाया। आज के कार्यक्रम का स्लोगन हम भी वोट करेंगे, हम भी गर्व करेंगे तथा गीत हर शहर में जन जन उठेंगे, मतदान की कीमत समझेंगे था। शतरंगी सप्ताह का आगाज उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि 6 मई को लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मतदान की आहुति देकर अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करे। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी नगर पालिका राजाखेड़ा के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने सभी उपस्थित कार्मिकों व मतदाताओं को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने व करवाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामवीर सिंह,
प्रमोद जैन, विवेक चौधरी, महावीर सिंह, हेमंत चौधरी, रामहेश सिंह, सुरेश चंद, नीरज त्यागी, महावीर त्यागी आदि के अलावा गैर राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, व्यापक मंडल के कार्यकर्ताओं की व्यापक उपस्थिति के साथ ही शहरी क्षेत्र के सभी वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सत्ताईस अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला सतरंगी सप्ताह है, जिसमें प्रत्येक दिन नई थीम के आधारित कुछ न कुछ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज का दीपदान की गतिविधि भी आगामी दिनों के अंदर वोटों की बारात, महिला मार्च और मैराथन वोट जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी सप्ताह के तहत। इसके तहत हमने हमारे नगर पालिका BDO साहब है, महिला बाल विकास अधिकारी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, CBO साहब हैं, सभी के तालमेल से सप्ताह को हम सफल बनाने में प्रयासरत हैं, ताकि मतदान अवेयरनेस है, मतदान के प्रति जागरूकता है, उसके अंदर अधिक से अधिक सफलता मिल सके। और जो सैंपल बाड़ी मार्ग पर अजीतपुर गांव के मोड़ के पास आज दोपहर बाइक सवार को इको गाड़ी ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए CHC सैंपल पर लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किरावड़ी निवासी सुरेंद्र पुत्र भोगीराम जोशी तथा उसका साथी गुड्डा मुस्लिम एक बाइक पर सवार होकर बिशनगिरी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी अजीतपुर गांव के मोड़ पर लगे चिलिंग प्लांट के समीप बाइक को एक इको कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। CHC प्रभारी डॉक्टर पंकज मलिक ने बताया कि दोनों घायलों में से एक घायल गुड्डा मुस्लिम की हालत खतरे में बनी हुई है, जिसके दाएं पैर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं, वहीं उसके गुप्तांगों में भी गहरी चोट लगी है। शुक्रवार देर रात करीब 8:30 बजे NH-11B पर बारी सरमुथरा के बीच रह रही के समीप बाइक व कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं कार सवार 1 युवक व बाइक सवार 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त 3 युवक बाइक पर सवार होकर धौलपुर से वापस लौट रहे थे, वहीं कार सवार युवक फतेहाबाद जा रहा था। हादसे के बाद कार में सवार अन्य लोग घायलों को सड़क पर पड़ा छोड़कर मौके से भाग गए। हादसे में बाइक सवार राजकुमार पुत्र भूरा सेन उम्र 27 वर्ष, बिक्की पुत्र रामा धोबी उम्र 30 वर्ष निवासी झिरी की मौत हो गई, वहीं राहुल पुत्र बिपति उम्र 30 वर्ष निवासी सरमुत्रा व नितिन पुत्र जवाहर सिंह निवासी मल्लातुल्ला फतेहाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक राजकुमार व मृतक बिक्की व राहुल बाइक से धौलपुर की तरफ से आ रहे थे, वहीं कार सवार नितिन सरमुत्रा की तरफ से जा रहा था। स्वीप कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह के फ्लैक्स बैनर का किया विमोचन। लोकसभा आम चुनाव 2019 में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह का 27 अप्रैल से 3 मई तक प्रत्येक पोलिंग स्टेशन स्तर, विधानसभा क्षेत्र स्तर, जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने शुक्रवार को सतरंगी सप्ताह फ्लैक्स बैनर का जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विमोचन किया। उन्होंने बताया कि सतरंगी सप्ताह के दौरान 27 अप्रैल को दीपदान, 28 अप्रैल को प्रतिज्ञा के साथ बैंड वादन, 29 अप्रैल को वोट बारात, 30 अप्रैल को महिला मार्च, 1 मई को मानव श्रृंखला, 2 मई को दिव्यांगजनों की ट्राई साइकिल रैली तथा 3 मई को बोट मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जम्मू एवं पुणे तक डॉल्फिन लेकर गई यह संदेश, कोई मतदाता नहीं रहेगा, 6 मई को मतदान करने से शेष। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई झेलम एक्सप्रेस डाउन ट्रेन 24 अप्रैल बुधवार को धौलपुर से डॉल्फी को लेकर आगरा, मथुरा, पलवल, दिल्ली, पानीपत, करनाल, लुधियाना, जालंधर, कैंट होते हुए जम्मू तभी पहुंची, एवं 27 अप्रैल शनिवार को धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से डॉल्फी अपना संदेश लेकर जम्मू तभी से पुणे चलने वाली झेलम एक्सप्रेस 11078 अप मुरैना, ग्वालियर, दतिया, झांसी, ललितपुर, भोपाल, जलगांव, बिलासपुर होते हुए पुणे में जिले के श्रमिक मतदाताओं की डॉल्फी 6 मई को मतदान करने का संदेश देगी। डॉल्फी द्वारा जिले के मतदाताओं के साथ साथ अन्य राज्यों में कार्यरत करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को 6 मई को मतदान करने का संदेश दिया जाएगा।
मतदाता जागरूकता में रेलवे की सहभागिता के तहत आयोजित कार्यक्रम में रेल यात्रियों समेत आम जन को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जम्मू तवी से पुणे जा रही झेलम एक्सप्रेस को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह नरुका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव लोकतंत्र का महात्योहार है, इसलिए शत प्रतिशत मतदान करके इस त्यौहार में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने रेलवे स्टेशन तथा आसपास के क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के पैम्पलेट वितरित किए तथा झेलम एक्सप्रेस ट्रेन पर पोस्टर चिपकाए। उन्होंने स्टेशन पर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मतदाताओं को भी मध्य प्रदेश में 12 मई को होने वाले मतदान दिवस का मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, स्टेशन मास्टर एनएन मिश्रा सहित सुधांशु सक्सेना, होतम सिंह, अजय मीणा, नरेश कुमार भारती, मोतीराम तथा बीरेंद्र आदि मौजूद रहे। व्यय पर्यवेक्षक ने किया निरीक्षण। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में संचालित व्यय प्रकोष्ठ का व्यय पर्यवेक्षक निधीश विनायक सिंगल IRS द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन का हिसाब तिथिवार अंकित करना सुनिश्चित करें, SOR रजिस्टर का संधारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की पत्रावली वाइज खर्चा दर्ज किया जाए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में संचालित मीडिया एवं MCMC प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर पेड न्यूज के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने प्रकोष्ठ में पेड न्यूज के संबंध में की जा रही कार्रवाई, पेड न्यूज पाए जाने पर दिए जाने वाले नोटिस एवं कन्फर्म पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में जुड़वाने के संबंध में निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा MCMC प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। व्यय पर्यवेक्षक ने IT से संबंधित प्रकोष्ठ व व्यय प्रकोष्ठ का भी निरीक्षण किया तथा दिशा निर्देश दिए। जिले के सैपो उपखंड स्थित नुडहरा गांव में बीती रात को एक किसान के गेहूं के फसल के गल्ले में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और लोग मौके के लिए दौड़ पड़े, जहां ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी। वहीं उपखंड मुख्यालय पर दमकल की कमी खलने के कारण जिला मुख्यालय से दमकल पहुंचने तक करीब 2.5 बीघा फसल का गल्ला जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक दिनेश गोस्वामी निवासी नुनहरा के करीब 2.5 बीघा फसल का गल्ला खेत में रखा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों के सभी प्रयास विफल रहे। तभी काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। तब तक पीड़ित की फसल का गल्ला जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मी विजय परमार ने बताया कि आग के आगोश में आए फसल के गल्ले पर काबू तो पा लिया, लेकिन गेहूं की फसल को बचाया नहीं जा सका। आग से खेतों में रखी फसल का ढेर जलकर खाक हो गया, जिसने किसानों के गाढ़े पसीने की कमाई खाक हो गई। पीड़ित किसान सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से किसान के हुए नुकसान की सर्वे कराकर पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। बसेड़ी कस्बे से 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर प्रशासन द्वारा दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर परिसर में आकर्षक रंगोली सजाई गई तथा सैकड़ों दीप जलाए गए। इस दौरान तहसीलदार द्वारका प्रसाद गर्ग ने कहा कि सभी कर्मचारी लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें तथा वोट की ताकत को समझाएं। विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया ने कहा कि सबसे अधिक मतदान प्रतिशत ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इस पर्व पर सभी मतदाताओं को इसमें भाग लेना चाहिए, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस मौके पर विभिन्न कर्मचारी मौजूद रहे। एवियन कॉन्वेंट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2002, विच इज अ लीडिंग ब्रांड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ओवर 2 acres ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, विच नॉट प्रोवाइड्स एजुकेशन बट ऑल्सो एक्ट एज अ मोल्ड टू शेप द ब्रिलियंट फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। एवियन कॉन्वेंट स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। Admission open for classes playgroup to class 12th. Affordable fee structure. Teaching by qualified and experienced faculty. Limited students per class. Well equipped computer lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, maths lab, social science lab and audio visual room, including activity room and big playground and big auditorium. Arts, music, डांस, योगा इन कराटे एक्टिविटीज टू एनहांस द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड। फुली CCTV इक्विप्ड क्लासरूम्स इन कैंपस, एयर कंडीशनर बिल्डिंग, स्पेशल अटेंशन टू एवरेज एंड वीक स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम ऑल नियर बाई एरिया ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। सो हरी अप, एडमिशन ओपन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट, मेक योर चाइल्ड स्पेशल। एड्रेस
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, फलपुर। जिले के बाड़ी के सदर थाना इलाके में बीती रात करीब 12 बजे उमरेह गांव के पास बाड़ी रोड पर एक दोना फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर पीड़ित बिशन स्वरूप मीणा पुत्र सुंदर सिंह निवासी खोरपुरा बाड़ी की ओर से सदर थाना पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 26 अप्रैल को रात्रि करीब 12 बजे अचानक उमरेह गांव के पास बाड़ी रोड पर स्थित दोना फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 10,000 नकदी, 3 लाख का बना हुआ माल, 1.5 लाख रुपए का कच्चा माल, 2 लाख की मशीन, 2 लाख का टीन सेट सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। ग्राम पंचायत तगावली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोला में आज पीईओ सुक्को देवी के निर्देश पर बाल सभा एवं प्रवेश उत्सव की शुरुआत रंगीन पंपलेट छपवाकर और डेंटल शिविर लगाकर की गई। डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों के दांतों की जांच की। इस दौरान ग्रामीण एवं अभिभावकों को नौनिहालों के नव प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही पंपलेट का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने विद्यालय प्रशासन के दांतों के डॉक्टरों को स्कूल परिसर में बुलाने की प्रशंसा की, साथ ही बच्चों का प्रवेश कराने का आश्वासन दिया। पंपलेट में मतदाता जागरूकता के नारे भी लगवाए गए। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी अंकित है, जिससे कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट में नाम और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन से बच्चों को भी भविष्य में किसी परेशानी में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। प्रवेश उत्सव एवं बाल सभा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में मदरसा प्रधाना शाहिदउद्दीन, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रधानाध्यापक हरिओम शर्मा, बाल सभा प्रभारी, स्टाफ एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। यूं तो लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत तरह तरह के कार्यक्रम कर लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का अनोखा ही तरीका निकाला है। समिति अध्यक्ष परमार ने अपनी कार पर आगे और पीछे व दोनों तरफ मतदाता जागरूकता के स्टिकर चिपका लिए हैं और वे जहां भी जा रहे हैं लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह का यह तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वे जहां भी जाते हैं उनकी कार आकर्षण का केंद्र बन जाती है और देखने वालों की भीड़ लग जाती है। अब आपके अपने शहर धौलपुर में भी खुला आगरा और जयपुर के स्टैंडर्ड का लग्जरी रेस्टोरेंट, जिसकी आंतरिक डिजाइन व खूबसूरती कर रही है लोगों को बेहद आकर्षित। इसमें बेटियों की गोद भराई, बच्चों की जन्मदिन की पार्टी, शादी की सालगिरह की पार्टी, कंपनी की मीटिंग करने के लिए बेहतर सुविधाएं व स्थान मौजूद है। यहाँ नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि की सुविधाएं उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें और उठाएं स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद। हमारा दावा, आप एक बार आओगे तो बार बार आओगे, क्योंकि यहाँ का खाना, नाश्ता और फास्ट फूड है ही इतना स्वादिष्ट। पता: होटल प्रधान पैलेस एंड रेस्टोरेंट, सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। आगामी लोकसभा चुनाव में कोई भी व्यक्ति व महिला मतदान से वंचित ना रहे, इसके लिए नगर पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में महिला मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर है। इसी क्रम में कल मूला हवाई गली के नुक्कड़ पर तो आज अंबरपुर बार में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजय प्रताप सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब भारतीय लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है और महिलाओं के सक्रिय होने से लोकतंत्र की पूरी ताकत को जनहित के लिए आगे लाया जा सकता है। इसलिए नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड व मोहल्ले में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही सिंह द्वारा निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करने व करवाने की शपथ भी दिलाई गई। रामहित सिंह व सुरेश चंद द्वारा ईवीएम व वीवीपैट मशीन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में धनपाल शर्मा, नीरज त्यागी, कंप्यूटर ऑपरेटर रवि जैन, महावीर त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी के निर्देश पर
श्री श्याम शिक्षा समिति धौलपुर द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संतोषी माता मंदिर कचहरी में आयोजित किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता को लेकर पोस्टर पंपलेट आदि वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले के सभी मतदाता 6 मई को वोट अवश्य डालें और काम बाद में करें। पुजारी मुन्ना पंडित ने कहा कि मतदान करना भी पुण्य का कार्य है। गोदान, अन्नदान, भूमिदान सबसे बड़ा दान मतदान है। 6 मई को सभी 100% मतदान जरूर करें। इस मौके पर संस्था की सचिव रमा देवी शर्मा, ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष अंबिका शर्मा, युवा अध्यक्ष गजेंद्र मुदगल, संदीप शर्मा, वीरेंद्र, उमेश, रीना, उर्मिला, शकुंतला, शशि, गिरिजा, माया, साधना, गुड्डी, आरती, मीना, संजू आदि उपस्थित रहीं।